हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स अपू। तो मैं आज आई हूँ श्रीनगर में, मेरा फर्स्ट डे है। तो बेसिकली हम पूरे ग्रुप के साथ आए हुए हैं जिसमें फैमिली हैं एंड मम्मी पापा के फ्रेंड्स लोग हैं। तो आज हमारा फर्स्ट डे है ये श्रीनगर में और हम यहाँ स्टे कर रहे हैं एक हाउस बोट में। तो मैंने सोचा था कि मैं ये पूरा सीरीज बनाती हूँ लाइक चेन्नई टू मुंबई एंड मुंबई टू श्रीनगर, लेकिन जब मैं चेन्नई से आ रही थी तो चेन्नई में इतना बारिश था, न्यूज़ में देखा ही होगा। फिर जब मैं मुंबई आई तो मुंबई में भी पिछले 2-3 दिन से इतना तेज़ बारिश है कि मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो अब मैं फाइनली श्रीनगर में आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग इधर से शुरू किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पहले आज के दिन, क्योंकि मैं यहाँ पे हाउस बोट में हूँ, तो मैं आपको पूरा हाउस बोट घुमाती हूँ एंड दिखाती हूँ कि ये कैसा है। एंड आई एम श्योर आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिख रही है, इसे शिकारा बोलते हैं। तो शिकारा से हम यहाँ से ऊपर आते हैं एंड ये है फ्रंट व्यू इस हाउस बोट का। एंड ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट हैं, हमारा वाला ये है एंड ये है शिकारा। एंड यहाँ पे हम उस तरफ से इधर आए हैं। As you can see, यहाँ पे कितनी शांति है। और ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर जाएंगे और ये है सिटिंग एरिया। एंड यहाँ पे ये टीवी भी रखा हुआ है एक। अब हम जाते हैं डाइनिंग की तरफ। तो ये है पूरा डाइनिंग रूम। तो ये इतना बड़ा कुछ डाइनिंग रूम है एंड इधर पे भी एक टीवी है। तो इधर पे दो टीवी है, एक इधर एंड सेकंड इधर। एंड ये पूरा एक जाइंट सा टेबल इन लोगों ने दिया हुआ है। ये पूरा कटलरी कन का स्टोरेज है, फ्रिज एंड ये सब है। ये है पूरा इतना स्पेशियस डाइनिंग एरिया जो कि हमारे ग्रुप के लिए इनफ है, नो डाउट। एज यू कैन सी ये कितना बड़ा है। एंड हाँ, उन्होंने हर एक रूम में हीटर दिया हुआ है जो कि ऑब्वियसली ज़रूरी भी है एंड यहाँ ठंड नहीं लगेगी। पूरा इन्होंने कटलरी भी दिया हुआ है साथ में, स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, ग्लास हैं, कप्स हैं, तो जिसका भी ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हो। ये एक स्टोरेज रूम है जहाँ पे इनके आई थिंक ब्लैंकेट्स एंड कुछ कंटेनर्स हैं जो मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये है हमारा रूम और ये हूँ मैं। ये है बेड, ये कोई बैठा हुआ है, आई डोंट नो हु इज़ ही। एंड ये है हमारा मिरर और ये वॉशरूम। तो ये एक रूम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रूम हमारा ये है, ये भी सेम रूम है। ये शीशा जिसमें हम खुद को देख सकते हैं एंड ये कबर्ड है। ये है थर्ड रूम, इसमें भी एक बेड, ये डबल बेड, विंडो एंड ये मिरर एंड ये कबर्ड। और ये है इस हाउस बोट का सबसे प्रीटी सा रूम जो है ये। तो बेसिकली सारे रूम सेम ही हैं। इसमें भी
ये एक बेड है, ये कबर्ड सिटिंग एरिया एंड ये मिरर, ये मैं हाय एंड ये वॉशरूम जो दिखाने की ज़रूरत है नहीं, फिलहाल ऐसा है। तो सारे वॉशरूम ऐसे ही हैं तो मैं वॉशरूम नहीं दिखा रही हूँ। ऊपर लेके चलती हूँ, वो मैंने भी नहीं देखा कैसा है, बट मैं लेके चलती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले बैक कैमरा ऑन कर लेती हूँ। और ये है ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ बेसिकली सिटिंग रूम है, सिटिंग एरिया जो मैंने देखा नहीं है, बस सुना है। तो कुछ ऐसा लगता है ये पूरा सिटिंग एरिया है। एंड यहाँ जितने भी हाउस बोट है सब में सेम ही रूफ है। पे ये तो अभी मेरा फर्स्ट डे है, कल अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं एक बार फिर से शिकारा में जाऊंगी, क्योंकि मैं शिकारा का कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। तो कल अगर मुझे चांस मिलता है या टाइम मिलता है मिंटू से, तो मैं कल जाऊंगी एंड शिकारा का एक थोड़ा सा क्लिप्स लूंगी एंड आपको दिखाऊंगी। अगर पीस चाहिए, थोड़ा सा यू नो मी टाइम चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो एंड एकदम फ्री होके अपना टाइम इन्जॉय कर सकते हो, ट्रस्ट मी। एंड हाउस बोट का मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो मैंने बस ये हाउस बोट में घूमा है एंड बाकी अभी फूड एंड ये सब का मैं रिव्यू नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे नहीं खाया है। तो आई थिंक हमारा डिनर आज इधर ही होगा, तो तब मिलती हूँ मैं आपसे डिनर में।